खाण नूं लब्भे खा लईदा, साल च कदी किधरे सूजो वाटर आ के नहा लईदा। आप लोगों को जितना फैसिलिटेट करोगे उतना ही अच्छा एनवायरनमेंट के व्यू से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, इस गर्मी के मौसम के अंदर अगर स्विमिंग पूल का इंतज़ाम हो जाए तो फिर उसकी क्या ही बात है। और आज इसी हवाले से हम आपको लाहौर के सबसे पहले स्विमिंग पूल सूजो वाटर पार्क की जो है वो सैर करवाएंगे, यहां की इंतज़ामिया से बात करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे क्या क्या इंतज़ाम यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से आवाम को जो है वो सहूलियत दी जाती है। आइए मेरे साथ चलिए, आपको तो सबसे पहले यहाँ पर एंट्री का तरीका बताया जाएगा कि किस तरह से टिकट हासिल करके जो है वो इंटर हुआ जाता है, उसके बाद फिर कैसे कैसे स्विमिंग पूल और कितनी ज़बरदस्त स्लाइड्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ चलिए जी। नाज़रीन, ये एक फैमिली वाटर पार्क है और यहाँ पर सबसे पहले इसमें इंटर होने के लिए टिकट जो है उसको ख़रीदा जाता है। यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स टिकट दोनों के काउंटर्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं और बाकायदा तौर पर बोर्ड्स अवेज़ा करके तो यहाँ से जाया जाता है और यहाँ पर बोर्ड्स अवेज़ा करके जो है वो गाइडेंस दी जाती है। टिकट्स जो हैं यहाँ पर ख़रीदने के लिए जब लाइन में लगना पड़ता है और किसी भी बदनज़मी से बचने के लिए यहाँ पर बाकायदा जो सिस्टम है रेलिंग का, या आप कह लें कि मुकम्मल तौर पर लाइन के अंदर लग के यहाँ पर टिकट जो है वो हासिल किया जाता है। और टिकट हासिल करने के बाद फिर इसके अंदर जाने का जो सबसे अहम आप कह लें कि सूजो वाटर पार्क के अंदर जाया कैसे जाए तो वो मरहला आता है। और इस तरह जब ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शहरी हैं जिन्होंने टिकट ख़रीदा और टिकट ख़रीदने के बाद आगे जो है वो अंदर की तरफ जाया जाएगा। जी नाज़रीन, टिकट हासिल करने के बाद यहाँ पर जो है वो मुकम्मल चेकिंग करवा के यहाँ पर जो गार्ड हैं सूजो वाटर पार्क के सिक्योरिटी गार्ड मुकम्मल चेकिंग करवा के वॉक थ्रू गेट से जो है वो अंदर जाया जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ से होते हुए आपको जो है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर मुकम्मल कंप्यूटराइज सिस्टम है और यहाँ से मुकम्मल तौर पर चेकिंग के बाद जब आप मेन गेट की जानिब जाते हैं तो यहाँ पर टिकट चेकिंग काउंटर है। यहाँ पर आपकी जो टिकट जो है जो भी आपने ख़रीदी है उसको चेक करवाया जाएगा। और जी नाज़रीन, जब यहाँ पर एंट्री के लिए पहुँचेंगे तो फिर मुकम्मल तौर पर ये एक टिकट या बैंड जो भी आपको लगा होगा उसको स्कैन करवाया जाएगा। स्कैन करवाने के बाद ये सिग्नल जो है ग्रीन, उसके बाद अब आप जो है वो मुकम्मल तौर पर सूजो वाटर पार्क के अंदर जो है इंटर हो चुके हैं। और यहाँ पर इस गेट से इंटर होने के बाद अब जो है आप सूजो वाटर पार्क के अंदर इंटर हो चुके हैं। यहाँ पर एंट्री के बाद अगर आप जो है कुछ कीमती सामान लाए हैं तो उनको जो है वो लॉकर्स के अंदर रखा जाएगा। लॉकर्स में रखने के बाद इन लॉकर्स के अंदर आपका जो कीमती सामान है वो सूजो वाटर पार्क की इंतज़ामिया के जो हैंड ओवर हो जाता है, जहाँ पर वो अपनी मुकम्मल हिफाजत के साथ रखते हैं। जब आप वापसी जाएँ और इस पार्क से जब आप आउट हों तो यहाँ से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर वक्तन वक्तन जो स्लाइड जो पूल जिसमें नहाना चाहें वो फिर ओपन है और आगे जाके नहाया जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे चल के आपकी बात करवाते हैं शहरियों से कि कहाँ कहाँ से आए हैं और किस तरह की फीलिंग्स है इस गर्मी के मौसम में और इस शदीद गर्मी के अंदर इस तरह की जो पूल पार्टी जिसे कहा जाए या नहाने का इंतज़ाम हो तो फिर वो उनके लिए क्या ही बात है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुल्फ़कार साहब, यहाँ पर सुपरवाइज़र हैं, उनसे जानते हैं। ज़ुल्फ़कार साहब, पूल है, दिन में हज़ारों लोग आते हैं, इसकी सफाई का क्या इंतज़ाम है? क्या कुछ मिलाया जाता है या इसको प्रॉपर जो है वो साफ़ किया जाता है? जी बहुत शुक्रिया सर। बात यह है कि हम लोग सफाई के मामले में इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारी दो टीमें हैं, एक हमारी टीम जो फर्स्ट टाइम सफाई करती है और एक टीम हमारी सेकंड टाइम जो है ना सफाई करती है। ये हमारे जो मालिक हैं माशाल्लाह अंसारी साहब, उन्होंने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है कि आप लोगों को जितना फैसिलिटेट करोगे उतना ही अच्छा एनवायरनमेंट के व्यू से। तो हम लोग इसको सफाई के व्यू से बेहतरीन रखा हुआ है। अब आपके दो शोबे हैं, एक तो है आउटसाइड की सफाई जो कि हम झाड़ू से करते हैं, एक पानी के अंदर वाली सफाई जो है वो पानी की सफाई का ये तरीके का है सर। इसमें हमने चारों तरफ बंदे अपने चार खड़े किए हुए हैं पूल के साथ,
अगर कोई बंदा कोई उसमें कचरा वगैरह को फेंक देता है छोटा मोटा, तो वो ऐसे होता है कि हम उसी वक्त उसको पिक करते हैं। उसके बाद पानी का जो सिस्टम होता है, इसमें हम लोग हफजाने सेहत के लिए क्लोरिन और जो इसके मटेरियल होता है उसको बाकायदगी के साथ इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तीसरा ये है कि ये सामने जो शावर चल रहे हैं, ये शावर जो है ये फिल्टर प्लांट लगा हुआ पीछे बहुत बड़ा, जो कि तकरीबन 2 करोड़ का फिल्टर प्लांट लगा हुआ, वो मुसलसल इसको फिल्ट्रेशन वाश करता है। पानी जी सर, जी सर, उसको फिल्ट्रेशन जो है ना मुसलसल होती रहती है। तो साथ साथ जो है इसमें केमिकल भी हम डालते हैं जो अफजाने सेहत के लिए बेहतर होता है, और साथ साथ जो है ये फिल्ट्रेशन भी करता है। यहाँ पर फैमिलीज भी आती हैं, हमने देखा कि खवातीन का जो है वो यहाँ पर आना जाना है, फैमिलीज के साथ भी लोग आते हैं। तो इस तरह पार्क को मेंटेन करने के लिए कि फैमिलीज को जो है वो अलग किया जाता है, फीमेल को और मेल हजार जो हैं वो अलग हैं, इसको किस तरह मेंटेन करते हैं कि कोई ऐसा ना खुशगवार वाकया ना पेश आ सके, क्योंकि फैमिलीज हैं तो ज़ाहरी बात है सबके लिए काबिल एहतराम। जी थैंक यू सर, आपका बड़ा अच्छा ये आया रेज किया आपने। हम लोगों ने पार्क के अंदर थ्रू आउट जो है ना सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा सिस्टम रखा होता है। पहले तो ये है कि हमारा कैमरा सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है, हमने पूरे थ्रू आउट पार्क में कैमरे लगाए हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, जिसकी मॉनिटरिंग जो है ना वो ऑफिस में हो रही है। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी सिक्योरिटी जो है ना वो लड़के रखे हुए हैं, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स रखी हुई है जो इसको वॉच करती है। तीसरा ये है कि जब फैमिली इंटर होती है ना तो सामने एक लड़का खड़ा हुआ देखे सामने, वो उसको गाइड करता प्रॉपर तरीके से, उसको सारे फैमिली को प्रॉपर जो है ना वो उनको बताता है कि आप लोग लेफ्ट साइड पे चले जाएं। फैमिली के लिए अलहदा पूल और स्लाइड बनाई गई है, कवर्ड है, 4 दीवारी है, लेडी स्टाफ वहाँ पर मौजूद है। ये सेफली तरीके से फैमिली उधर पहुँचती है, वहाँ पर जो अलहदा सिक्योरिटी लेडीज रखी हुई है जो उनको गाइड करती है कि लॉकर डिपार्टमेंट यहाँ पर है, चेंजिंग रूम यहाँ पर है, स्लाइड इस साइड पे है, आपने वहाँ पर कैसे जाना है। और जो इनका अब यहाँ पे पूल के अंदर आने के लिए उसके बाद फिर कीमती सामान जो है उसको क्या किस तरह से मैनेज किया जाता है? सर एक जो जेंट्स और लेडीज आते हैं उनके लिए स्पेशल लॉकर और लॉकर बनाए गए हैं कि जो बंदा आता है वो अपने कपड़े और जूते पैसे मोबाइल कहाँ पर रखता है, ये भी गाइड बताता है उनको कि आप लोगों के लिए चेंजिंग रूम अलहदा बनाया गया है और वहाँ पर चेंज करके अपने कपड़े जूते पैसे मोबाइल इस जगह पर लॉकर में आपने जमा कराने हैं ताकि गुम या चोरी चौदा ना हो सके। उसके लिए ये गाइड ही काम करते हैं, हमने प्रॉपर लिखा हुआ भी या बोर्ड भी लगे हुए हैं। और दूसरा है कि हमारी अनाउंसमेंट पूरे पार्क में चलती है जो वो भी कस्टमर को हेल्प करती है। अच्छा, मुख्तलिफ जगह डेज पर जो है और मुख्तलिफ मौक़ों पर डिस्काउंट दिया जाता है सोजो की जानिब से, हमारी बरादरी हमारी कम्युनिटी सहाफ़ियों के लिए क्या डिस्काउंट करता है सोजो वाटर पार्क? देखिए जी, हमारे जो मालिक हैं माशाल्लाह कामरान लसारी साहब और सुहेल जुरेल लसारी साहब, उन्होंने ये खसूसी तौर पर मीडिया के लिए जो है सिस्टम बनाया हुआ है। इसमें कुछ हमारा तो सिस्टम चलता है, बॉर्डर सिस्टम ही होता है जिसमें हम लोग पास इशू करते हैं, उसके बाद को पर्सनली भी उनके साथ जो है ना वो अटैचमेंट है, पर्सनली भी कोई बंदा जाए तो उनके लिए खसूसी डिस्काउंट भी है, फ्री भी करते हैं, डिस्काउंट भी करते हैं जितना हो सके, वो बहुत ज़्यादा जो है ना कंप्रोमाइज़ करते हैं इनके साथ मीडिया के साथ। बहुत शुक्रिया जुल्फकार साहब, थैंक यू। नाज़रीन ये जुल्फकार साहब थे, आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं मुकम्मल सोजो वाटर पार्क का व्यू और किस तरह से खिदमत की जा रही है। इस गर्मी के मौसम में इसको खिदमत ही कहा जाएगा कि तपती गर्मी और फिर इस तरह की सहूलत जो है वो पहले भी हम कह चुके हैं कि किसी नेमत से कम नहीं। तो आगे चलते हैं, आगे आपको जो है वो पार्क दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। जी नाज़रीन, अभी आपने सोजो का विज़िट किया, आपको कुछ सोजो के बारे में जो है वो तो बताया ही गया, लेकिन अब यहाँ पर आने वाले जो क्लाइंट हैं सोजो के, या आप कह लेंगे यहाँ पर आने वाले जो गर्मी के स्थाई शहरी, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो नाम बताएं अपना। नुमान कहाँ से आए हैं आप? शेखपुरा से। शेखपुरा से इतनी दूर से लाहौर का सफ़र क्यों किया और सिर्फ सोजो के लिए? गर्मी बहुत है, सोजो के लिए नहाने आए हैं। अच्छा, अगर दोस्तों के साथ आए हैं या फैमिली के साथ आए हैं? फैमिली के साथ आए हैं। फैमिली के साथ। फैमिली के साथ सोजो का ही क्यों? आपने देखा कि अब तो जगह जगह पर स्विमिंग पूल बन चुके हैं और इसी तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वाटर पार्क्स हैं,
तो वहाँ पे क्यों नहीं, सोजो का क्यों इंतखाब किया? सर ये सोजो वाटर पार्क, ये इसमें बहुत ज़्यादा झूले हैं, स्लाइड हैं और पूल वगैरह ने हैं इधर, और फैमिली का लहदा इंतज़ाम है, फैमिली महफूज है, वो लहदा नहा रहे हैं, उधर स्टाफ है लेडीज़ सारा, वो उधर अकेले ही है, उधर सिर्फ लेडीज़ नहाते, जेंट्स नहीं जाते, इसलिए इधर आए फैमिलीज़ के लिए। तो ये तो एक अच्छा इन्वायरमेंट है फैमिलीज़ के लिए, खसूसन लेडीज़ के लिए, कि जो आती हैं तो उनको भी एक अलग से माहौल जो है वो मुयसर है और बापर्दा माहौल है, ना कि किसी मर्द को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं, हत्ता कि स्टाफ भी जो है वो फीमेल है। अच्छा कितने का टिकट ख़रीदा है आपने? सर 900 रुपये। 900 रुपये ज़्यादा नहीं है टिकट के पैसे? 900 रुपया बाहर गंदे पानी में नहाने के अलावा ये अच्छा है, 900 रुपया ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है आपके लिए, ठीक है, मुतमिन है टिकट से, इंतज़ाम से भी, सहूलियात से भी? अगर इंतज़ाम ही ज़्यादा है, 1000 भी हो तो कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन अभी आपने एक शहरी की बात सुनी, गर्मी के साए शहरी जब सोजो वाटर पार्क का रुख करते हैं तो यहाँ पर एक ही पार्क के अंदर बेशुमार सहूलियत जो उनको मैसर हैं उस हवाले से मुतमिन भी नज़र आते हैं। आगे इसी तरह हमारे साथ एक और शहरी जो कि आज सोजो वाटर पार्क का इन्होंने रुख किया है, उनसे जानते हैं कि किस तरह का इनका एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आने का और गर्मी के हवाले से ही क्यों आम रूटीन में या दूसरे दिनों में क्यों यहाँ का रुख नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो नाम बताएं। फैसल नाम है। अच्छा फैसल साहब आप यहाँ पर आए हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट आपके लिए यहाँ पर मुयसर है, कैसा फील हो रहा है, फीलिंग क्या है? एनवायरनमेंट तो मैं आपको थोड़ा सा इस तरह बताऊंगा कि जिथे खाण लब्बे खा लईदा, जिथे खाण लब्बे खा लईदा, साल च कदी किधरे सोजो वाटर आके नहा लईदा। सिर्फ साल च कदी किधरे सोजो जी आके नहाना, आगे पीछे नहीं नहाना? आगे पीछे नहीं नहाना जी, पाबंदी है नहाउन ते, ना घर नहाना है ना बाहर नहाना है, सोजो जी नहाना है साल च कदी कदी। देखो कोई पुलिस वाला ते कोई वार्डन हो गया, खूबसूरती ते ताके दिल गार्डन गार्डन हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। सही गल है जी। दोस्तां नाल आए जी कि फैमिली नाल? सर दोस्त नाल आया, बस उदे थोड़े जे दंद बारन तां उनू मैं टिकाना नहीं जा रहा भाई। कितों कितों आए जी? सर जेलम से आ। जेलम से? हां जी। बड़ा ही दूर से इतना लंबा सफर करके यहाँ पर? बस देखी थी वीडियोस वगैरह कि इस तरह का कोई बना हुआ वाटर पार्क, तो दिल किया तो फिर आ गए। गर्मी भी इस तरह की थी तो हम तो ढूंढ रहे थे, यानी कि गर्मी को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए। अच्छा डिफरेंट जगह पे आपने देखा दूसरे इलाकों के अंदर जो है वो स्विमिंग पूल के साथ साथ फार्म हाउसेज जो है वो मिलते हैं, तो वहाँ का रुख क्यों नहीं किया सोजो वाटर पार्क? असल में यहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेन के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, वहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रीनरी वगैरह दे दी या एक पूल दे दिया उसी में सब। यहाँ पे बहुत सी डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे वो बुलेट स्लाइड होगी या दूसरे पूल वगैरह होगी, काफ़ी अच्छी चीज़ें। ये तो अच्छी बात है। कि टिकट कितने की ली? सर टिकट ली है हमने 900 रुपए की, क्योंकि आज सैटरडे था इस वजह से मंडे को मैंने अपने पैसे खर्च कर दिए, पूरे कर लिए हैं। मैं कहता हूं डबल पूरे हुए, डबल पूरे, अब वापस उनको जाते 900 दे के जाएंगे, डबल कर लिए। शेर शायरी का कैसा शौक है सर? बस इसी तरह के दोस्तों में बैठ के शोर मेला लगा लेते हैं। जरा कोई शेर अच्छा सा सुनाए सर। कहने कायदे आजम दा फरमान, पंजाबी जाओगे? चलो पंजाबी में शेर दा फरमान, मेरे दंदलू दी यारी ते मेरी जान वे कुर्बान। दंदलू दी यारी ते क्यों? दंदलू भी इस वजह ने कही था क्योंकि भाई जी मोहब्बत वाला बंदा है। अच्छा वाला साहब ते चाय सलीम छाबियां दा काम करदे ने, बिजनेस है उनां दा बहुत वड्डा, गली गली जाके उनां छाबे वेचन, बड़े मुश्किल बच्चे उनां। अच्छा ताडे ताडे मुताबिक इनां दे वाले साहब दा जेड़ा है ना हर कोने च इनां दा बिजनेस फैलिया है? फैलिया है गली गली, जो तुसीं सुणदे हो सर सुक्की रोटी तो पतीसा, वो पहला नारा उनां ने याद कीता, इनां ने याद कीता। इनको बुलाएं जरा सामने, आइएगा जनाब। कम ऑन स्टेज अबू बकर भाई, प्लीज क्लैपिंग सर। जी नाज़रीन फैसल साहब ने अपने दोस्त को जो जेलम से लाहौर का रुख किया और खसूसन सोजो वाटर पार्क के लिए, तो अपने दोस्त को बुलाया जिनकी तारीफ कर रहे थे, जरा इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? अबू बकर। अबू बकर नाम है, ये क्या कह रहे हैं? ये सर जो भी कहते हैं मोहब्बत में कहते हैं। मोहब्बत में कहते हैं सर जी। अच्छा हर बंदा इतने नायाब है, गरीबों वास्ते इतने चिट्टा माल भी दस्तयाब है। यानी कि आप इनके लिए जो बोली लगा रहे हैं सर, 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए, ये आपको यहाँ पर भी पंगड़ा पाए, पंगड़ा पाए, ये क्या बातें कर रहे हैं?
अच्छा, इन्होंने आपकी शान में एक शेर कहा है, आप जरा उनके लिए कुछ इरशाद फरमाएं। ये वो इरशाद कर सकते हैं, इनके पास टैलेंट है, हमारे पास टैलेंट नहीं है इस तरह का। आपके पास क्या टैलेंट है? हमारे पास दांत हैं, दांत मैं आपको बता रहा दिखा कैमरे में। क्या टैलेंट है आपके पास? हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है। गाना आता है? नहीं, गाना भी नहीं आता। कोई एक तबलीगी बंदे चले, तबलीगी कोई एक पैगाम दे रहे, तबलीगी पैगाम। दादा बुका चाहत पर अली खान साहब का, आप सब आए एंजॉय करें, सोजो पार्क बहुत आउट क्लास जगह है, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, स्लाइड्स हैं, बुलेट वगैरह है, इसके अलावा बाकी एक्टिविटीज़ हैं, फैमिली को लेकर आए, एंजॉयमेंट करें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, लाहौर में आए हैं, सोजो वाटर पार्क के अलावा कोई और जगह भी घूमने के रहता है कि यहीं से वापस चले जाएं? इंशाल्लाह यहीं से वापस कर। जी नाज़रीन, गर्मी की बढ़ती शिद्दत और साथ इस तरह का अगर स्विमिंग पूल की बात की जाए जहाँ पर नहाने का इंतज़ाम हो और मुख्तलिफ़ किस्म के पूल जो हैं उनको अवेलेबल हों, तो फिर शहरियों का जो है वो रुख करना तो यकीनी है। अभी बात की यहाँ पर आने वाले शहरियों ने के सहूलियात की, तो ये एक अच्छी और हौसला अफजा चीज़ है कि शहरी जो हैं वो मुतमिन हैं इनकी इंतज़ामिया से और इनके इंतज़ाम से। आगे चलते हैं स्लाइड्स के बारे में, बड़े शहरियों ने गुफ्तगू की तो आपको वो स्लाइड्स भी दिखाते हैं और यहाँ पर खसूसन स्लाइड्स के साथ साथ जो हिफाजती इंतज़ाम हैं वो भी आपको दिखाते हैं, मेरे साथ चलिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं स्लाइड पर, स्लिप एंड फ्लाई ये स्लाइड है, 12 फुट इसकी हाइट है, लेकिन इसके जो इन्जॉयमेंट का जो लेवल है वो 12 फुट से कहीं ज़्यादा ऊंचा है। और जो आने वाले यहाँ पर शहरी हैं नहाने के साथ साथ अगर उन्हें यहाँ पर स्लाइड्स का मज़ा मिल जाए तो फिर उनकी छुट्टी और उनकी जो पिकनिक है उसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। और यहाँ पर ना सिर्फ स्लाइड्स, पानी नहाने के लिए जो डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट शेप्स के पूल हैं वो हैं, बल्कि यहाँ पर जो आने वाले शहरी हैं उनका मज़ा दुबाला करने के लिए बाकायदा तौर पर म्यूज़िक के हवाले से डीजे का ख़ास इंतज़ाम किया जाता है, हिफाजती इंतज़ाम जो हैं वो यहाँ पर मुकम्मल होते हैं ताकि अगर नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश आए तो उसे निमटने के लिए फौरी तौर पर जो है वो इब्तदाई तिबी इमदाद उनको दी जा सके। आगे चलते हैं, आगे आपकी बात करवाते हैं, अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो मुकम्मल तौर पर ये स्लाइड्स हैं और 12 फिट की ये स्लाइड है जिस जहाँ से आके जंप लगाया जाता है स्लाइड्स के ज़रिए, तो और इसी तरह ये जंप जो है वो सीधा पानी के अंदर गिरते हैं और इन्जॉयमेंट का इनका लेवल जो है वो फिर और मज़ीद जो है वो बढ़ जाता है, जिसे कह लें कि टेम्परेचर जो है वो गर्मी की शिद्दत के साथ साथ इनके जो इन्जॉयमेंट है उसका भी जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है। जी नाज़रीन, सोजो वाटर पार्क की सैर तो आपने कर ली, अगर इस तरह के पार्क और गर्मी के माहौल के अंदर इस तरह के पार्क शहर के अंदर मौजूद हों तो ये शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। और यही पार्क ना सिर्फ दोस्तों के लिए, अगर फैमिलीज़ के लिए भी फ्रेंडली माहौल दें तो फिर ये सोने पर सुहागा जैसी बात है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेगेबा।